कमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा एक अनुशासन पार्टी है, भाजपा में अनुशासनहीनता जरा भी बर्दाश्त नहीं है। मामले में तय है कि दोषी लोगों पर कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज ही सांसद शरद त्रिपाठी के साथ विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको भाजपा कार्यालय तलब किया है। अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संत कबीर नगर में जिला योजना की बैठक में एक शिला पाठ के नाम न होने को लेकर एक विवाद में सांसद शरद त्रिपाठी ने बैठक में ही विधायक राकेश सिंह बघेल को जूतों से पीट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे शासन काल में 2 वर्ष में हमने यूपी की बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभाला है, प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में कुंभ व प्रवासी भारतीय दिवस का भव्य आयोजन हुआ है, जो कि प्रदेश की व्यवस्था में आए परिवर्तन को हर जगह बताता है। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों में जोर शोर से जुटी दिल्ली में 87 आम आदमी पार्टी एक नई मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। वही दरअसल एक महिला ने विधायक पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वही पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रशांत विहार थाने में महिला का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ विधायक को ही नहीं बल्कि उनके भाई पर भी मामला दर्ज किया है। वही संबंध में विधायक महेंद्र गोयल का कहना है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, वही लोगों से पैसे ले लेती है और वापस नहीं करती। इस संबंध में उसके खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको बता दें कि इससे पहले भी आप पार्टी के एक नेता संदीप कुमार भी अपने कृतकृत्य के चलते आप पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को राफेल दस्तावेजों की चोरी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कोल्हापुर में राकांपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पवार ने कहा कि अगर गोपनीय कागजात चुरा लिए जाते हैं तो सुरक्षा के मोर्चे पर क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय से गोपनीय कागजात कैसे गायब हो सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि राफेल सौदा कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। सरकार ने संसद से चोरी क्यों छुपाई। राफेल सौदे के मुद्दे पर सरकार के रुख को आश्चर्यजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो बेफोर्स मामले की जांच की मांग करते हुए सौदे की जांच से इनकार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि अब तक 2 संयुक्त रैलियां हुई है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 सीटों के लिए बातचीत जारी है, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। जब तक चुनावों की घोषणा नहीं की जाती तब तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले राज्य सरकार में कर्ज लेने की होड़ लग गई है। चुनाव नजदीक है तो हर प्रकार से सरकारें जनता को अपने पक्ष में लाना चाह रही है। आज के दौर में राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार के लिए हर तरीके का उपयोग करती है, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर जनसभा तक ढेरों पैसा खर्च हुआ करता है, जिसके लिए सरकार लगातार कर्ज भी ले रही है। बीते 2 महीनों की अगर बात करें तो ऐसा लगा कि जैसे हर राज्य एक दूसरे से ज्यादा कर्ज लेने के लिए रेस में लगा हुआ है। बता दें कि सरकारें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से लगातार अपनी प्रतिभूति बेच रही है। इस वर्ष सरकारें अब तक करीब 1 लाख करोड़ से अधिक का बांड बेच चुकी है। खबर के मुताबिक यूपी सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी से अब तक 5 बार में 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का नंबर आता है, जो लगभग 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बता दें कि 2014 के आम चुनावों से पहले भी राज्य में 2100 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन इस बार आम चुनाव से पहले ही कर्ज लेने के कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर लोक लुभावन योजनाओं का लोकसभा चुनाव से पहले धरातल पर उतारने का दबाव है, जिस वजह से कर्ज लेना सत्तासीन पार्टियों की मजबूरी भी हो सकती है।